हाँ, तो हम यहां देखने जा रहे हैं करंट। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ मटेरियल से होकर फ्लो कर जाता है, उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जिससे होकर के चार्ज फ्लो कर जाता है वो गुड कंडक्टर है। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। इस फ्लो के आधार पर एक हम नई फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करेंट। करंट क्या है? तो चार्ज के फ्लो होने के रेट को अगर पर यूनिट टाइम में हम उसके रेशियो को देखते हैं तो हम उसे कहते हैं करंट। करंट की सिंबल, करंट के सिंबल में आई से दिखाया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। हम कैपिटल आई या स्मॉल आई से कहीं भी बुक में दिया रहा है तो हम उसे करंट मान समझेंगे। एक चीज है, करंट का हमेशा डायरेक्शन फिक्स होता है। करंट कहीं भी वायर में जब भी दिया रहे या ये करंट फ्लो कर रहा है तो आपको डायरेक्शन दिया रहेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसका डायरेक्शन फिक्स होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हमने ये जाना है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक तीसरी क्वांटिटी टेंसर भी होती है। लेकिन यहां हम सीधा सीधी कहेंगे कि यह डायरेक्शन फिक्स नहीं है। फिक्स है लेकिन इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर के एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता, सिंपल अल्जेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं इसे। अब जब ये फ्लो करता है ना, तो फ्लो करने के आधार पर इसको देखा जाता है कि क्या चार्ज हर टाइम इक्वल फ्लो कर रहा है। ऐसे में इसे कहेंगे यूनिफॉर्म करेंट। अगर इक्वल चार्ज फ्लो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म करंट। अगर इसका हम ग्राफ लें, एक तरफ क्यू चार्ज लिया, दूसरी तरफ टाइम लिया, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि यहां करंट जो है यूनिफॉर्म है, इक्वल चार्ज इन इक्वल। लेकिन वही जब चार्ज जो है इक्वल फिक्स नहीं है, जबकि हम डायरेक्शन करंट का देख रहे हैं, टाइम इक्वल कर दिया, फिक्स कर दिया, ऐसे समय में चार्ज जो है फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म करंट। नॉन यूनिफॉर्म करंट क्या होता है कि इट इज अनइक्वल चार्ज, अनइक्वल चार्ज फ्लो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल चार्ज फ्लो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म करंट। नॉन यूनिफॉर्म करंट, हमें पूरे चैप्टर में नॉन यूनिफॉर्म करंट हमारा सिलेबस नहीं है, नहीं पढ़ना, हमें बस इसी से मतलब है। तो अगर करंट भी बताए तो हम कहेंगे कि करंट यही है। अब क्या है कि जब भी आप सर्किट में देखेंगे तो एक चीज लिखा रहेगा आमीटर। आमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा करंट को मेजर किया जाता है। तो करंट इज मेजर्ड बाई द डिवाइस आमीटर। आमीटर करंट वो डिवाइस है जिसको करंट। आमीटर को हमेशा आगे पढ़ाएंगे कि सर्किट में हमेशा इसे सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में लगाते हैं। जब सर्किट हम देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम सीरीज में लगाते हैं। तो अभी इसमें बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो अभी जो हमने पढ़ा है इसमें एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करेंट। हाँ जी, हमें करंट कहते हैं प्रोड्यूस में 10 कूलम चार्ज। तो क्यू कितना दिया हुआ है? 10 कूलम दिया हुआ है। चार्ज इज फ्लोइंग इन टाइम 5 सेकेंड। तो टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो अब क्या कर रहा है? आई निकालना है। हम तो सीधा फॉर्मूला जानते हैं, क्यू इज बाई डी, 10 बाई 5 ये हो गया 2 एम्पियर। अब उसके बाद कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट हमें आई निकालना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट आई निकालना है प्रोड्यूस जब 10 टू द पावर 20 यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इज फ्लोइंग इन 4 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। अब दिक्कत है कि आई इज इक्वल टू हमें पता है लेकिन यहां तो क्यू दिया ही हुआ है। तो इसके लिए हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई। तो ई का हमें पता होना चाहिए 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो फॉर्मूला में यहां रख देंगे तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी।
तो वेयर एन इज इक्वल टू आई डी बाई ई, और आई दिया हुआ है, आई निकालना है, आई तो दिया नहीं हुआ है, सो हमें फॉर्मूला यहां बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, 10 टू द पावर 20, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये हो गया 4, ये कट के आ गया 10, और 10 से ये कट गया 4, दैट इज 4 कूलम एम्पियर, 4 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इस बार हमें नंबर निकालना, तब कि जब फ्लोइंग, व्हेन फ्लोइंग 10 एम्पियर करंट, यहां करंट कितना पास कर रहा है, 10 एम्पियर प्रोड्यूस्ड इन 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, ये करंट है, और प्रोड्यूस इन 0.01 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 0.01 सेकंड, या इसे कह सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2। अब वापस वही, हमें तो पता है क्यू इज इक्वल आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और जो होता है एन ई बाई टी, हमें निकालना क्या है, एन निकालना है, तो इस जगह हम क्या कर सकते हैं, इधर आई इंटू टी एन ई हो गया, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी अपॉन ई, आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 6, और टी की वैल्यू क्या दी हुई है 10 टू पावर माइनस 2, और नीचे पता है ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो भाई ये हो गई 10 टू द पावर माइनस 8, और ये ऊपर चला गया 10 टू द पावर प्लस 19, और नीचे 1.6, ये कट गया, बच गया 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 और नीचे 1.6, तो हम क्या कर सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 लिख लेते हैं, और जब हम इसे करेंगे तो 0.6 2 करीब ये आएगा, और 10 टू द पावर 12 आप इसे लिख सकते हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11, यही हमारा आंसर हो गया 6.2, तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, तो हम इस पर बाकी क्वेश्चन आप फिर इस पर प्रैक्टिस